भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने बुधवार को मुंबई में बैठक की और भारतीय स्क्वाड का चयन किया। टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में खेला जाएगा। इसका फाइनल 14 नवम्बर को होगा। भारतीय टीम अपने सुपर 12 चरण की शुरुआत 24 अक्टूबर को चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। भारतीय टीम के 15 सदस्य इस प्रकार हैं: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उपकप्तान, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ईशान किशन विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा, राहुल चार, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। स्टैंडबॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को रखा गया है। टूर्नामेंट के पहले दौर में 8 क्वालिफाइंग टीमें भाग लेंगी। इनमें से 4 टीमें सुपर 12 के दौर में पहुंचेंगी। प्रारंभिक दौर में 8 टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। टी20 विश्व कप में भारत को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ सुपर 12 के ग्रुप 2 में रखा गया है। क्वालिफाइंग राउंड से प्रत्येक ग्रुप में 2-2 टीमें इन दोनों ग्रुप में जुड़ेंगी। तो दोस्तों, आपकी नज़र में भारतीय टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है और कौन से खिलाड़ी को इस टीम में जगह मिलनी चाहिए थी और किस खिलाड़ी को इस टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।